नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है जो अपना यहाँ पे हम्प होता है, नेक हम्प, जिसको नेक हम्प बोलते हैं और हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कुबड़। तो इस ये स्वेलिंग टाइप से होती है या ऊंचा हो जाता है एक उम्र के बाद में या उम्र से पहले भी होता है, तो इसको कम कैसे करें और इसके कारण क्या हैं और इसके प्राकृतिक उपाय क्या हैं जो हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं जो योग क्रियाएं बताती हूँ, अगर किसी के किसी प्रकार की कोई समस्या है या डॉक्टर्स की मेडिसिन चल रही है, जरूरी नहीं कि ये योग क्रियाएं सभी के लिए लाभदायक हो, तो आप प्लीज या तो अपनी जिम्मेदारी के साथ में करें या फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके ही करें, क्योंकि मेरे पास में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है योग क्रियाओं से संबंधित। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग स्वयं की जिम्मेदारी के साथ में इसको। नेक हम्प होता है, यहाँ पे कुबड़ होता है या स्वेलिंग होती है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है रीढ़ की हड्डी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। हमारी ये चीज़ होती है और यहाँ तक रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी में जो एक जॉइंट से इस तरीके से बने होते हैं, उनको कशेरुकाएँ कहते हैं। उन कशेरुकाओं में हम जैसे इस तरीके से बैठ जाते हैं या हमारी गर्दन को झुका के इस तरीके से काम करते हैं या कंधों को यूं कर लेते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है उसमें क्या होती है, वो जो रीढ़ की हड्डी होती है इस तरीके से करने से, हालांकि रीढ़ की हड्डी का एक्चुअल पोस्चर ये होता है, इस तरीके से होती है एक्चुअल, लेकिन हम उसको यूं करने की कोशिश करते हैं। यूं करने की कोशिश करते हैं तो जो छल्ले टाइप से होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कशेरुकाएं होती हैं, उनमें लूजनेस आ जाता है। लूजनेस या गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से ही हमारे किसकी प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ में हमारे पोस्चर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फैट इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो हमारे कारण थे कि हमें हमारा पोस्चर सुधारना है, चाहे नेक को आगे करके हम कुछ काम करें, कंधों को इस तरीके से या फिर इस तरीके से करें। अब इसके उपाय कैसे करेंगे? एक तो आपको पोस्चर सही रखना है। घर में अपने छोटे बच्चे होते हैं, वो शुरू से इस तरीके से बैठ के टीवी देखते तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम किस तरीके से बैठे हैं, तो उनका पोस्चर बार बार टोकते रहें। हमें तो चेंज करना ही करना है, लेकिन अपने बच्चों में भी ये हैबिट डालनी है जिससे उनकी धीरे 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 एक उम्र तक ये आदत बन जाए कि मुझे इस तरीके से नहीं बैठना है। क्योंकि छोटी सी उम्र में, 15-16 साल की उम्र में, मैंने ये देखा कि यहाँ पे बच्चों के कई इंसान के या कई बच्चों के कूबर टाइप से निकल जाता, यानी कि ये कंधे यूँ होकर के कंधों से भी ऊपर निकल जाता है, तो ऐसी समस्या ना आए। फिर जो ड्राइविंग करते हैं फोर व्हीलर में, तो उसकी सीट भी आजकल इस तरीके से कंफर्टेबल आने लगी, बीच से थोड़ी सी यूँ मुड़ी हुई। अपनी हम वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अपन सीधे नहीं बैठ सकते क्योंकि ड्राइविंग करते हैं, तो पीछे थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। तो कॉशन होता है, तकिया होता है या मोटा टावल होता है, उसका सपोर्ट इस लेवल में दें कि हमारी जो पीठ है वो सीधी रहे और सीट का जो पीछे का इस तरीके का गैप होता है बीच में यूँ मुड़ा हुआ वो दूर हो जाए, और कॉशन देख करके ही, कॉशन लगा करके ही या पिल्लो या जो टावल है वो लगा करके ड्राइविंग करें, तो इससे आपका पोस्चर सही रहेगा। ज़्यादातर फोर व्हीलर टू व्हीलर की वजह से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से ये समस्याएं होती है, कुबड़ वगैरह, साइटिका, ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये अपने उपाय और रीजन, कारण मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जैसे हमें ये चीज़ें बढ़ती दिखती है, इसके साथ साथ उम्र में हमारे मोटापा बढ़ता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ मोटापा बढ़ता है, हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता जाता, इकट्ठा होता जाता, तो उस चीज़ को हम कम कैसे करें, एक्सरसाइज से कम कैसे करें? एक्सरसाइज से तो पहले तो आपको नेक स्ट्रेचिंग की पहले एक्सरसाइज करनी है, जो नॉर्मल करवाते हैं उनको कैसे करनी है, पहले आपको मिड में रखना है अपनी ठोड़ी को, इसको मिड से ही पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर वापस लाना है, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, ध्यान रहे बीच से करना, आगे नहीं लाना है।
इससे हमारे आगे का फेट होता है या डबल चिन होती है वो कम होता है। अब हम पीछे की जो लाइनिंग या हमारा लाइनिंग हो जाती है स्वेलिंग से या चर्बी से, वो कैसे कम करें? यानी कि बीच से ही आपको आगे की तरफ ठोड़ी को या चिन को यहाँ पे टच करना है। सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे, बस मिड में रखेंगे। इसमें आप महसूस करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक आपकी नसें खींच रही हैं। इसी तरीके से मिड से राइट और लेफ्ट लेके जाएंगे, सांस भरते हुए राइट की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मिड बीच में लाएंगे। दूसरी तरफ करेंगे, इसी तरीके से गर्दन को यूं पकड़ेंगे, कंधे को यूं पकड़ेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। गर्दन को बीच में होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। दूसरी तरफ से करेंगे ऐसे। ये अपनी नेक की स्ट्रेचिंग थी, जो चर्बी से चारों तरफ हमारी वो लाइनिंग बन जाती है वो दूर होती है। अब एक्सरसाइज यानी कि इसको स्वेलिंग को यहाँ से कैसे कम करें, तो पहली एक्सरसाइज तो है आपको हाथों को इस तरीके से लेके जाना है क्रॉस, फिर ऐसे मिलाना है। इसमें महसूस करेंगे आप पीछे से, यहाँ से पेन महसूस करेंगे इसमें। आपको अगर बिगनर्स हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप 5 या 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, वरना आप 15 से 20 रेपिटेशन डेली करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस तरीके से लें, पीछे की तरफ लेके जाएं, फिर आगे लें, पीछे की तरफ लेके जाएं, आगे लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके गर्दन के नीचे के हिस्से में दर्द होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। ये आप 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं, यानी कि 10 से 15 सेट करने हैं। अगर नहीं, पहली बार कर रहे हैं, नहीं हो पाता है, तो आप 5 करें 3 करें, जैसे आपकी कैपेसिटी है वैसे करें। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से, गर्दन पे हाथ लगाएं, गर्दन पे यूं, और आगे झुका करके पीछे ले जाना है इसे। पूरा आगे की तरफ हाथ को नहीं लाना है,
इसमें आप महसूस करेंगे यहाँ पे पेन हो रहा है बिल्कुल, ऐसे ही आपको नीचे कमर पे हाथ लगाना है और आगे नहीं लेके जाना ऐसे हाथों को, यहाँ मिड से पीछे की तरफ लाना, बीच से। ऐसे ही फिर इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है, पीछे लें आगे लें, क्रॉस हैंड्स लगा करके। इसको चाहे तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दूसरे हाथ से करें ऐसे ही। ये 5 या 6 एक्सरसाइज हैं जो आपको डेली करनी है, और इन एक्सरसाइज से आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपके हाथ में या साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से लेके ही करें, अपने आप से नहीं करना है। आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।